हेलो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5x + 3 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर को पता करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट का जानना बहुत ज़रूरी होता है। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग निकालना जानते हैं, क्या होता है हमारा फॉर्मूला b² - 4ac। इस इक्वेशन को, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप इक्वेट करोगे ax² + bx + c = 0 से, तो आपको दिखेगा कि a जो है हमारा वो 4 के बराबर है, b हमारा -5 के बराबर है और c जो है हमारा वो 3 के बराबर है। यहाँ से आप d का वैल्यू निकाल लीजिए तो आपका आ जाएगा b² तो -5 का होल स्क्वायर -4 * a, a के जगह पे हमारा 4 आ जाएगा और c के जगह पे आपका 3 आ जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट आपका आ जाएगा 25 - 48, जो कि -23 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका -23 आ गया, विच इज़ लेस देन 0। और हमें मालूम है कि जब d लेस देन 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नो रियल रूट्स होते हैं। तो हम लिख सकते हैं द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्या लिख सकते हैं? हैज नो रियल रूट्स। इसी तरीके से कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया है तो हम उसके नेचर ऑफ द रूट्स को डी का वैल्यू निकाल के पता कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड डे, बाय।